आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अब तक तय नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर इस पर बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है, किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से 13 मंत्री पिछले चुनाव यहां पर हारे थे, तो उनको क्या यहां पर कुछ मिलेगा या नहीं। इसके अलावा बीजेपी में जो शामिल हुए हैं कांग्रेस के 22 विधायक, जिसके बदौलत यहां पर बीजेपी सत्ता में वापस की है, लेकिन लॉकडाउन के चलते देश में कई राज्यों पर लॉकडाउन जो है वो बढ़ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए क्या खबर है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सिंधिया समर्थकों को मिलेंगे कैबिनेट के 10 पद, यहां पर ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से कौन कौन वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और उन्हें कौन सा मंत्रालय यहां पर मिल सकता है, इस पर बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन मंत्रिमंडल का अब तक विस्तार नहीं हो पाया है। खबरों के हिसाब से जो खबर है कि 2 अप्रैल के 2 सप्ताह में यहां पर मंत्रिमंडल गठन हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिलहाल यहां पर मंत्रिमंडल का गठन हो पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन लॉकडाउन में अगर किसी प्रकार की रियायत दी जाती है और जिस प्रकार से अन्य राज्यों में कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है इस महामारी को निपटने के लिए, तो मध्य प्रदेश में बहुत जल्द यहां पर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, यहां पर यह बड़ी खबर है। इस मंत्रिमंडल में जो है 24 से 26 लोगों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से 6 से 8 मंत्री पद यहां पर राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, बाकी कैबिनेट यहां पर मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें तो पूर्व में 13 मंत्री यहां पर चुनाव हार गए थे, जबकि कुछ को टिकट ही नहीं मिला था। इस बार जगदीश देवड़ा और अजय बिश्रोई, करण सिंह वर्मा, कमल पटेल, बीना सिंह, इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो 3 या 4 बार भी जीत कर आए, तो किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, किन्हें यहां पर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह, यहां पर काफी बड़ा इनको यहां पर मंत्रालय मिलने वाला है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा को मिल सकता है नंबर 2 की यहां पर भूमिका हो सकती है, क्योंकि उनका नाम यहां पर पहले जो था खबरों के हिसाब से कि उनका नाम जो है यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भी रखा जा रहा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह जो कि पिछले कार्यकाल में यहां पर गृह मंत्री रहे थे, अब उन्हें कौन सा मंत्रालय यहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्वास सारंग भी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री दर्जा पा सकते हैं। इसके अलावा संजय पाठक को भी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है। जालम सिंह पाटिल को भी कैबिनेट मंत्री में जगह मिल सकती है। इसके अलावा अरविंद भदौरिया को भी मंत्री पद से यहां पर जो है खबर के हिसाब से कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय कोटे से कमल पटेल सिंह मंत्री पद यहां पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा विंध्य रीजन से राजन शुक्ला दावेदार, यहां पर बड़े दावेदार मंत्री को लेकर माने जा रहे हैं। इसके अलावा केदार शुक्ला, नागेंद्र सिंह और गिरीश गौतम में से किसी एक को यहां पर मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा भोपाल से रामेश्वर वर्मा, मोहन यादव, यशपाल सिंह सिसोदिया और नीना वर्मा भी बड़े दावेदार यहां पर मंत्री पद के लिए माने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा यहां पर सिरदर्द जो है वो है यहां पर कांग्रेस से आए बीजेपी में शामिल 22 विधायक, जिनमें से 6 मंत्री भी हैं, जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश में एक वापस से शिवराज सिंह सरकार में आए, अब उन्हें क्या यहां पर पद मिलने वाला है। खबरों के हिसाब से माने तो 10 मंत्री पद यहां पर सिंधिया समर्थकों को दिए जा सकते हैं। खबरों के हिसाब से जो 4 लोगों को मंत्री पद दिया जा रहा है, जिनमें से अगर बात करें तो आदिवासी चेहरा विशासुलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, एदल सिंह कसाना और यहां पर राज्यवर्धन दंती गांव का नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। इसके अलावा 6 जो पहले कांग्रेस के शासन में मंत्री थे उनको एक बार से यहां पर मंत्री पद दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बड़े नाम यहां पर मध्य प्रदेश के यहां पर कैबिनेट मंत्री में यहां पर इन बड़े नामों को यहां पर जगह मिल सकती है, ऐसी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, और इसके अलावा अगर बात करें तो उपचुनाव में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इन बड़े यहां पर दिग्गजों की होने वाली है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, वो चुनाव में किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। उसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।